अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली। दोस्तों यहां पर पबजी टेस्ट करने लगे हैं आज हम, यहां पर रेनो 12 5G का। तो ये मेरे ख्याल में पहला पबजी टेस्ट होगा यूट्यूब पर। यहां पर रेनो 12 5G का हम देखेंगे पबजी में कैसा, कितना ड्रेन करता है और कैसा रहता है पबजी में। यहाँ पर भाई प्राइसिंग जो है पाकिस्तान में रखी गई है रेनो 12 5G को 1,60,000 रुपये, 12 GB, 512 GB वाले वेरियंट की। प्रोसेसर दिया गया है डायमेंसिटी का 7300 चिपसेट दिया गया है मीडिया टेक वाला, और यहाँ पर 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। एनर्जी साथ में लगाया गया, अब देखते हैं कितनी एनर्जी है इसमें। और इसके साथ आपको बैटरी जो है वो 5000 mAh की मिलती है, और साथ में चार्जिंग 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले आपको एक कर्व्ड मिलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको देखेंगे कितना फ़ायदा होगा इससे। और टच रिस्पॉन्स कितना ज़बरदस्त है, 120 Hz है दोस्तों। बट यहाँ पर अगर देखें बैटरी का हिसाब किताब, तो बैटरी आपको इस वक्त मिलती है 82% रिमेनिंग। देखते हैं कितना बैटरी को खर्चा होता है, ये सारा कुछ हिसाब लगा लेते हैं। यहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखिए 6,15,000 के करीब करीब हैं, आपको मिलते हैं ये 8200 जो 1,00,000 के करीब जो हमें फ़ोन मिलता है GT20 Pro, उसमें 9,00,000 के करीब एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिलते हैं हमें। उसके अलावा अगर पबजी की सेटिंग्स देखें, HD में हाई, HDR में भी, अल्ट्रा में प्ले कर सकते हैं, और स्मूथ में एक्सट्रीम में प्ले कर सकते हैं, मतलब 60 FPS तक आप पबजी प्ले कर सकते हैं। हम एक्सट्रीम में प्ले करेंगे और देखेंगे मज़ा भाई कि कितना मज़ा आता है यहाँ पर। और इसके अलावा जायरोस्कोप तो खैर अवेलेबल ही है, वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा भाई, जायरोस्कोप अवेलेबल है, ये हम थोड़ी देर जायरोस्कोप अवेलेबल करके देखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर प्ले नहीं करनी आती। तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं दोस्तों, रूम का टेम्परेचर 35.3, फ़ोन का है 36, अपसाइड से 37, यहाँ पर भाई 36 और अपसाइड से 38 है भाई। तो यहाँ पर हम पता लग जाएगा क्या हिसाब किताब बनता है। तो यहाँ पर भाई 3 मिनट हो गए कंप्लीट, और यहाँ पर ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी है। वॉल्यूम हमने हाफ ऑन किया हुआ है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी तगड़ी है, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एक्सट्रीम में प्ले कर रहे हैं। और जायरोस्कोप जो है वो डिले नहीं है इतना, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है फ़िलहाल के लिए। फ़ोन थोड़ा सा हीट अप हो चुका है अब 4 मिनट में ही फटाफट से। और यहाँ पर गेमिंग में मज़ा आ रहा है वैसे काफ़ी, बट दोस्तों वैसा मज़ा नहीं कराएगा आपको जो 8200 चिपसेट करा रहा था 120 FPS में, और बिल्कुल स्मूथली प्ले। यहाँ पर भी स्मूथ हो रहा है प्ले, पर जो 1.5 लाख वाला दोस्तों फील है वो नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई नॉन PTA आईफोन लेकर आप प्ले कर सकते हैं, PTA अप्रूव भी काफ़ी मिल जाएंगे दोस्तों, 11 प्रो मैक्स वगैरह। यहाँ पर भाई तकरीबन 11 मिनट हो चुके हैं, और परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो अच्छी खासी जा रही है भाई। परफॉर्मेंस के मामले में फ़िलहाल के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन ये एक 1.5 लाख की प्राइस के हिसाब से देखते हैं भाई क्या बनता है आगे।
यहाँ पर दोस्तों पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट। तकरीबन 22 मिनट 40 सेकंड हमने टेस्ट किया है पबजी को, और यहाँ पर ब्राइटनेस हमने इतनी रखी थी, ये आप देख सकते हैं। तो ब्राइटनेस को हम कम करते हैं, वॉल्यूम हाफ पे रखा हुआ था, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने 9 मिनट प्ले की है, ये देख सकते हैं आप। तकरीबन 9.5 मिनट हो गए, ये हम क्लोज़ करते हैं। फ़ोन हीटअप हो चुका है दोस्तों, सबसे पहले ये हीट ही टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ोन का कमरे का टेम्परेचर 35.4, फ़ोन बैक साइड से 39, अप साइड से 42, भाई बहुत हीट हो चुका है। ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर में भी 42 से भी ज़्यादा हीट हो चुका है, तो हीट होने का बहुत ख़तरा है दोस्तों इसमें, बहुत ज़्यादा कर्व डिस्प्ले में ज़्यादातर होता है ये। और इस वक्त बैटरी देख सकते हैं हम, पहले थी 72-74% बैटरी, मतलब आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि 22.5 मिनट में जो खर्चा हुआ है बैटरी का, वो आपको 8% बैटरी का खर्चा हुआ, जो कि ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा जैसे फ़ोन हीटअप होगा। हालांकि हमने सारी वीडियो में रिकॉर्डिंग प्ले नहीं की, 9 मिनट प्ले की है, 9.5 मिनट, तो फुल में प्ले करते तो और ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक था, स्कोप वगैरह जायरो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। बस यही है दोस्तों, जायरो प्रोसेसर को और इम्प्रूव करना चाहिए था, 8200 होता तो और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस होती। अब मेरे हिसाब से 1.5 लाख में तो ये महंगा है। आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस ये बताइएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।